बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन ने एक बेहतरीन टूल अपनी एप्लीकेशन में रिसेंटली ऐड किया है एंड्रॉयड या स्मार्टफोन यूज करने वालों के लिए। और वो यह है कि आप किस तरह से किसी भी इमेज को, किसी भी राइटिंग वर्ड या फ्रेज को, या किसी भी वीडियो के पार्ट को कैसे ब्लर कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं, यानी कि उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस टूल को कैसे यूज करना है। इसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन को ऑन करके आपने कोई भी वीडियो या इमेज जो है वो अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लेना है। मैं एक वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, जहाँ पर ये वीडियो मैंने सिलेक्ट कर ली है और इसको मैं तकरीबन 20 सेकंड या 30 सेकंड तक की सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक ऐसे करके। अब जो लेफ्ट साइड पर जो एक बार है, जहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, इस पर आपने टैप करना है और सबसे नीचे इफ़ेक्ट लेयर जो है, ये पावर डायरेक्टर ने नया फीचर ऐड किया है ब्लर करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तीन इफ़ेक्ट्स जो हैं यहाँ पर जेजार हो गए हैं, म्यूज़िक, ब्लर और हाईलाइट। तो ये सबसे पहला जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जब इसको हम देखेंगे तो ये देखें कि इसकी बैक साइड पर जो है चीज़ें वो सारी ब्लर हो चुकी हैं और इसका जो फ्रंट है वो ब्रिक्स की तरह का शो हो रहा है। इसको इस एरो की मदद से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसको आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जिस तरफ को भी ले जाना चाहें वो ले के जा सकते हैं। जैसे ये आप देखें कि ये बॉटल का जो हेड है, इसको मैंने इस तरह से ये ब्लर कर दिया है और अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये वीडियो जो है इस तरह से प्ले हो रही है। इसी तरह से ही आपने एक दूसरा जो इफ़ेक्ट है वो चूज़ कर लेना है। यहीं पर आपने क्लिक करना है तो इफ़ेक्ट लेयर के ऊपर क्लिक करना है और ब्लर के ऊपर क्लिक कर देना है, इसको कर देना है सिलेक्ट। आप इसको ड्रॉप एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। तो अभी ये देखें, ये बिल्कुल फ्लैट है और इसकी बैकग्राउंड भी बिल्कुल ब्लर हो चुकी है। इससे भी ये जो एरो का निशान है, यहाँ से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो राइटिंग है, इस राइटिंग को हमने हाइड करना है, ब्लर करना है, तो इस तरह से इसको हम ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसको भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। और जो तीसरा इफेक्ट है वो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आपने फिर लेफ्ट साइड बार पर आ जाना है और यहाँ से इफ़ेक्ट लेयर के ऊपर जाना है और हाईलाइट जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको ऐसे करके ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इसको लेके आ गया हूँ। अभी ये देखें कि जो हिस्सा आप तस्वीर का या वीडियो का प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, इलस्ट्रेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप इसको रखेंगे तो बड़े ही आराम के साथ ये उस हिस्से को वाजे कर देगा और बाकी जो हिस्सा है उसको डार्क कर देगा, जो बाहर का हिस्सा है। ये देखें, इसको भी एरो की मदद से पकड़ के आप इस तरह से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अभी इस जगह के ऊपर मैंने इसको लेके आना है और इसको जो है इलस्ट्रेट करना है। तो अभी हम इसको प्ले करेंगे तो ये देखें, ये बाकी हिस्सा जो है बाहर वाला वो डार्क है और ये हिस्सा जो है आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। तो इसी तरह इसकी शेप भी आप चेंज कर सकते हैं, सबके साथ एक ही मेथड होगा। तो अगर आप ये राउंड शेप यूज़ करना चाहते हैं तो एलिप्स के ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, और कर्व्ड एज वाली अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से एरिया भी इसका बड़ा हो जाएगा जो हाईलाइटेड है। अगर ट्रायंगल पे करेंगे तो यहाँ पर भी ये इस तरह से एरिया इसका थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो दूसरा बात यह है कि अगर आपने इसको स्विच करना है, म्यूज़िक से ब्लर पर लेके जाना है या ब्लर को हाईलाइट पर लेके जाना है, तो आप टाइप के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप जो है वो डायरेक्टली ब्लर के ऊपर आ जाएंगे। देखें, पहले जहाँ म्यूज़िक था अभी ब्लर लिखा हुआ आ गया, अभी हाईलाइटेड ये लिखा हुआ आ जाएगा, ये हाईलाइट हो चुका है। ये तीन इसमें फीचर्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके अलावा अगर आपने इसकी शेप चेंज करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, किसी भी तीनों फीचर की किसी की भी अगर करना चाहें। ये ट्रांसफॉर्म की फ्रेम है, जहाँ से ट्रांसफॉर्म की फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, जो मैंने सेलेक्ट किया और इसको कर दिया ये डुप्लीकेट। तो ये इसमें जो फीचर्स हैं तीन ऐड किए ब्लर करने के और हाईलाइट करने के, ये बेहतरीन फीचर्स हैं। इससे पहले ये पावर ट्रैक्टर एप्लीकेशन में मौजूद नहीं थे।
उम्मीद करता हूं कि पावर ट्रैक्टर एप्लीकेशन का नया फीचर इफेक्ट लेयर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।